नमस्कार दोस्तों, मैं हर साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डनिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खूबसूरत सकुलेंट्स प्लांट में से एक अगेव प्लांट के बारे में। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत टॉप 10 सकुलेंट्स में से एक है। यह मैक्सिको की पहाड़ियों पर नेचुरली पाया जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती के कारण इसे अब वर्ल्ड वाइड ग्रो किया जाता है। और दोस्तों, अगेव प्लांट की बहुत सारी वैरायटी है। इसकी सभी वैरायटी की पत्तियों का शेप, साइज और कलर व फॉर्मेशन अलग होता है एक दूसरे से। जो प्लांट आप देख रहे हैं यह अगेव अमेरिकाना है। इसके पत्ते लंबे, चौड़े और चमकदार होते हैं, और इसके पत्तों के जो टिप होते हैं वह कांटेदार होते हैं। एक्चुअली इनके पत्तों का शेप ही ऐसा होता है कि जो इनके टिप होते हैं वह कांटे की तरह बहुत नुकीला होता है। और यह एक वेरीगेटेड वैरायटी है। आप इनके लीफ पर साइडों में येलो स्ट्रिप देख रहे होंगे, इसलिए इसे अगेव अमेरिकाना बैरिगाटा भी कहा जाता है। अगेव अमेरिकाना सेंचुरी प्लांट के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे अक्सर लोग सेंचुरी प्लांट के नाम से जानते हैं, और इसके पत्ते दूर से देखने में एलोवेरा की तरह लगते हैं, इसीलिए इसको काफ़ी लोग अमेरिकन एलो भी कहते हैं। और इसकी मैक्सिमम हाइट करीब 6 फीट तक होती है। अगेव अमेरिकाना की कुछ वैरायटी ऐसी भी है जिसकी मैक्सिमम हाइट करीब 20 फीट से भी अधिक होती है। और दोस्तों, अगेव प्लांट देखने में जितने सुंदर लगते हैं उतने ही ये अद्भुत भी होते हैं। इनकी कुछ बातें जानकर शायद आपको आश्चर्य होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगेव प्लांट से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इसे किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसकी केयर हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहें, जिससे आपको अगेव प्लांट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगेव प्लांट एक मोनोकार्पिक प्लांट है। मोनोकार्पिक प्लांट की उन स्पीसीज को कहा जाता है जो कई वर्षों तक जीते हैं, जिनकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है, लेकिन वो अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, अगेव प्लांट भी 5 साल से लेकर 20 साल के बीच कभी भी फ्लावरिंग कर सकता है। और अगेव की कुछ वैरायटी ऐसी भी हैं जो जिनमें फ्लावरिंग में करीब करीब 30 साल से भी अधिक का समय लगता है, और फ्लावरिंग होने के बाद इनमें सीड्स बनते हैं और उसके बाद यह प्लांट डेड हो जाता है। और दोस्तों, अगेव विक्टोरिया, जिसे किन विक्टोरिया को भी कहा जाता है, अगेव की सबसे छोटी वैरायटी होती है। इसकी मैक्सिमम हाइट करीब 1 फीट से लेकर के 3 फीट तक रहती है। फॉक्सटेल अगेव एक ऐसा अगेव प्लांट है जिसमें कांटे नहीं होते हैं। इसकी पत्तियां काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और इसकी मैक्सिमम हाइट करीब 4 से 5 फीट तक रहती है। और दोस्तों, अगेव टकिलाना से टकिला नामक शराब बनाई जाती है। इसे ब्लू अगेव, अगेव अजूल और टकिला अगेव भी कहा जाता है, और इसकी मैक्सिमम हाइट करीब 7 फीट तक होती है। जिस तरह से एलोवेरा के प्लांट में फ्लावरिंग के समय एक लंबी सी स्टिक निकलती है और उस पर फ्लावरिंग होती है, ठीक उसी तरह से दोस्तों, अगेव प्लांट में जब फ्लावरिंग का समय होता है तो इसमें भी एक स्टिक निकलती है, जिसे स्टाक कहते हैं, फ्लावर स्टाक। और उस फ्लावर स्टाक की लंबाई करीब 5 फीट से लेकर के 20 फीट तक होती है वैरायटी के हिसाब से। अलग अलग प्लांट में, अलग अलग वैरायटी में इसकी हाइट अलग हो सकती है। लगभग सभी अगेव प्लांट की केयर और प्रोपेगेशन का तरीका लगभग सेम होता है। तो दोस्तों, अगेव प्लांट को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, या चाहे पॉट में लगा हो या फिर ग्राउंड में लगा हो। इसमें मदर प्लांट के आसपास बहुत सारे पप्स यानी बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, जैसे मेरे इस प्लांट में निकले हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें करीब करीब 3 से 4 बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो आप जब भी इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहें तो इन्हें पॉट से निकाल करके एक अलग पॉट में शिफ्ट कर दें और आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। वैसे आपको नया प्लांट तैयार करना हो या ना करना हो, लेकिन फिर भी आप इन बेबी प्लांट्स को मदर प्लांट से अलग कर दें निकाल करके, जिससे आपके मदर प्लांट की शेप और साइज बिगड़ने ना पाए। और दोस्तों, इस प्लांट की प्राइस ऑनलाइन आपको बहुत अधिक मिलेगी। ये ऑनलाइन आपको 300-400 से लेकर के करीब 1000 रुपये तक मिलते हैं। और आगे की कुछ ऐसी वैरायटी भी हैं जिनकी कीमत विदेशों में करीब $1000 में है, लेकिन इंडिया में जो इसकी जो वैरायटी अवेलेबल है वह करीब 300-400 से लेकर के 1000 तक आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। बट लोकल नर्सरी पे दोस्तों, यह प्लांट काफ़ी सस्ता मिल जाता है। मेरा यह प्लांट मुझे सिर्फ 80 रुपये में मिला है, जिसमें मुझे 3-4 बेबी प्लांट भी मिल गए हैं। तो अगर आप भी अगेव प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने यहाँ के लोकल नर्सरी पर पता कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको यह काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। और यह एक सन लविंग प्लांट है। इसे पर डे कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप मिलना जरूरी है, जिससे इसकी हेल्दी ग्रोथ चलती रहे। वैसे यह काफ़ी लंबे समय तक शेड में भी रह लेता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। बट इसकी अच्छी ग्रोथ चलती रहे इसके लिए ज़रूरी है किसी ब्राइट लोकेशन पर रखें।
जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहे। और दोस्तों अगर सॉइल की बात करें तो इसे आप किसी भी तरह के मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, बट पॉटिंग मिक्स हमेशा बिल्ड इन होना चाहिए जिससे आपके पॉट में पानी ना रुके। अगर प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स बनाते समय आप 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले सकते हैं और उसमें आप 25% सैंड मिक्स कर लें और थोड़े से उसमें आप ग्रेवल मिक्स कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट आप बहुत ही कम मात्रा में उसमें मिक्स करें क्योंकि इसे बहुत ही कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। हर प्लांट की तरह इसे रेगुलर बेस पर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में अगर आप एक बार इसमें एनपीके 10-10-10 या फिर बर्मी कंपोस्ट दे देते हैं तो इसके लिए पर्याप्त होगा। तो बात करें दोस्तों वाटरिंग की, तो वैसे भी सकुलेंट प्लांट को बहुत अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सकुलेंट्स प्लांट जितने भी होते हैं वो अपने लीफ या स्टेम्स में पानी को स्टोर करके रखते हैं। तो ठीक उसी तरह से एग्रो प्लांट को भी अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है। गर्मी के मौसम में आप हफ्ते में 2 बार इसमें वाटरिंग करें तो पर्याप्त होगा और सर्दियों के मौसम में आप सिर्फ हफ्ते में 1 ही बार वाटरिंग करें, या फिर सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप हर बार वाटरिंग से पहले पॉट की मिट्टी को चेक कर लें। जब आपको लगे कि पॉट की मिट्टी सूख चुकी है तो आप उसमें दोबारा वाटरिंग कर दें। दोस्तों पेस्ट और डिसीजेज की बात करें तो एग्रो प्लांट पर किसी प्रकार के पेस्ट और डिसीज का प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी इनमें ओवर वाटरिंग की वजह से रूट रॉट की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में आप कभी भी अपने एग्रो प्लांट में ओवर वाटरिंग ना करें। और कभी कभी इनके पत्तों पर काले भूरे धब्बे दिखाई पड़ते हैं तो ऐसा अक्सर फंगस के कारण होता है। तो ऐसे में महीने में एक बार आप फंगिसाइड स्प्रे कर दें अपने प्लांट पर और थोड़ा सा पानी में घोल कर आप इसके रूट्स में भी दे सकते हैं, तो इससे आपके प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल हेल्दी रहेगी और आपका एग्रो प्लांट खूबसूरत दिखेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एग्रो प्लांट से संबंधित पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही क्लिक करें बेल आइकन पर, जिससे अगर मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।